हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आर्थिक फोडा का जनरल करेक्टर देखेंगे और इसी वीडियो में इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन। तो ये सबसे पहले हम इसे कुछ जनरल करेक्टर लेते हैं। तो अगर देखें तो इसकी बॉडी भी क्या होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, यानी एनीलिडा भी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है और आर्थ्रोपोडा भी क्या होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि इनमें खंडों की समान संख्या पाई जाएगी। यानी जैसे हमने प्राण देखा तो प्राण में देखा था कि 19 सेगमेंट पाए जाते हैं, तो जो दूसरा प्राण होगा उसमें भी क्या होगा, 19 ही सेगमेंट पाए जाएंगे। लेकिन इसके पहले हमने जब वो देखा था टीनिया सोलियम देखा था, तो देखा था कि गर्दन के बाद उसका जो होता है हिस्सा वो भी क्या होता है, खंडों में बटा होता है, लेकिन वहां खंडों की संख्या निश्चित नहीं होती। हमने देखा था खंड लगातार ऐड होते जाते हैं और पीछे से निकलते जाते हैं, तो वहां खंडों में कोई समान संख्या नहीं होती। लेकिन मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब है कि बॉडी समान खंडों में बटा होगा। अपेंडेजेस इनके क्या होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं, यानी इनके जो सेगमेंट होते हैं हर सेगमेंट के साथ एक अंग जुड़ा होता है, या हम कह सकते हैं एक लेटरल ऑर्गन जुड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडेजेज या उपांग कहते हैं। यानी जो हाथ हुआ, पैर हुआ, यानी जो बॉडी, ये मेन बॉडी हो गई, इससे जो भी लेटरल अंग निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, अपेंडेजेज कहते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें पार्ट की जो हमें पढ़ना है, तो उसमें 19 सेगमेंट होते हैं और हर एक सेगमेंट से क्या होता है, एक पेयर अपेंडेजेज जुड़े होते हैं। सोमाइट मतलब खंड, यानी प्रत्येक खंड से क्या होता है, एक उपांग जुड़ा होगा। तो माउस जब स्टडी करेंगे इसकी हेड की, तो हेड में भी देखेंगे हेड 5 खंडों से बना होता है, तो वहां 5 अपेंडेजेज हमें देखने को मिलेगा। आपने प्राण पहले भी पढ़ा होगा, मैजिला, मैगजीन, ये सब। एंडोस्केल्टन इसका काइटिन का बना होता है। इसके पहले एनीलिडा की बात करें तो एंडोस्केल्टन मतलब स्केल्टन पर कोई भी टफ मटेरियल जो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं, इंडो स्केल्टन कहते हैं। इंडो स्केल्टन या नॉर्मली क्या कहते हैं, स्केल्टन कहते हैं। तो स्केल्टन किसका बना होता है, यहाँ इंडो स्केल्टन नहीं होगा, इंजो स्केल्टन। इंडो तो मतलब होता है अंदर और इंजो मतलब होता है बाहर। तो इक्जो स्केल्टन मतलब स्केल्टन मतलब कोई भी टफ संरचना जो बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इक्जो स्केल्टन यानी जब शरीर के बाहर स्केल्टन हो तो उसको कहा जाता है इक्जो स्केल्टन, जब स्केल्टन कहाँ हो, शरीर के अंदर हो, तो उसको कहा जाता है इंडो स्केल्टन। तो यहाँ ये भी चीज अगर हम देखें इवोल्यूशन में, तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, इक्जो स्केल्टन पाया जाता है, यानी जो कंकाल होता है वो शरीर के बाहर होता है। जैसे कॉकरोच में ही आप देखते हैं कि ऊपर एक टफ स्ट्रक्चर पाया जाता है, या प्रॉन में भी आपने देखा होगा अगर प्रैक्टिकल किया होगा, तो इनका जो प्रोटेक्शन होता है वो अंदर से ना होकर के कहाँ से होता है, बाहर से होता है। लेकिन हम ह्यूमन बींग का देखें या अदर मैमल्स और कॉर्डेट्स का देखें, तो वहां पर बाहर से प्रोटेक्शन के लिए हेयर वगैरह तो होते हैं, लेकिन बाहर से कोई टफ स्ट्रक्चर नहीं होते प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन अंदर से बोन के द्वारा होता है, कोमल अंगों की सुरक्षा होती है, इसके अलावा बोन के द्वारा शरीर का एक ढांचा दिया जाता है। तो जितने भी हायर एनिमल होते हैं उनमें क्या होता है, इंडो स्केल्टन पाया जाता है। इसीलिए क्वेश्चन था कि जो सबसे लार्जेस्ट एनिमल्स होते हैं वो कार्डियक ही क्यों होते हैं, तो इसलिए होते हैं क्योंकि लोअर एनिमल में क्या बन जाता है, इक्जो स्केल्टन बन जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होती है, उनकी लंबाई नहीं बढ़ पाती। और जबकि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें इंडोस्केल्टन होता है, तो उनकी लंबाई बढ़ने के लिए कोई अवरोध नहीं होता। तो यहाँ पर आपको मतलब समझ में आ गया है इक्जोस्केल्टन और इंडोस्केल्टन का। अब इसके बाद देखिए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ था, इसके हेलमेंथीज से शुरू हुआ था। इसके हेलमेंथीज के बाद जितने भी फाइलम आएंगे सभी में क्या होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। सबसे पहले हमने प्रोटोजोआ में पढ़ा था, प्रोटोजोआ में क्या था, ए सेलुलर लेवल का था, या फिर हम कहें सेल ऑर्गेनेल लेवल का था, फिर पोरीफेरा आता था उसमें सेलुलर लेवल का था, फिर सिलेंट्रेटा पढ़ा उसमें ऊतक लेवल का था, फिर सिलेंट्रेटा के बाद हमने पढ़ा प्लेटी हेलमेंथीज उसमें ऑर्गन लेवल का था, फिर उसके बाद आया इसके हेलमेंथीज ऑर्गन सिस्टम लेवल का था, इसके हेलमेंथीज के बाद सब में क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। तो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे फीचर ऐड होते जाते हैं।
ट्रू सिलोम इसमें क्या होता है, रिड्यूस, हाँ बॉडी इनकी डिवाइड होती है हेड में यानी सिर में, थोरैक्स, वक्ष में, एब्डोमन मतलब उदर में, तीन भागों में बटी होती है। तो हेड क्या होता है, थोरैक्स क्या होता है, एब्डोमन क्या होता है, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो प्राण पढ़ेंगे वहां पर क्लियर हो जाएगा। ट्रू सिलोम इनका क्या होता है, रिड्यूस होता है, रिप्लेस्ड बाय ए ब्लड फिल्ड हीमोसील। तो यहाँ बात करें सर्कुलेशन सिस्टम ओपन होता है, ये दोनों क्या है, एक ही जैसे करेक्टर है, यानी इनका मतलब ये है कहने का कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्या होता है, ओपन होता है। इसके पहले हमने एनिलिडा पढ़ा था, एनिलिडा में क्या होता है, क्लोज होता है, और क्लोज वास्कुलर सिस्टम ही क्या होता है, ज्यादा विकसित होता है। लेकिन फिर भी आर्थ्रोपोडा में क्या होता है कि क्लोज ना होकर के ओपन होता है। लेकिन इसके बाद बात करें इकाइनोडर्मेटा की, कार्डेटा की, तो सभी में क्लोज होता है। अब ओपन में क्या होता है कि क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और ओपन में क्या अंतर है, जैसे जो विकसित एनिमल होते हैं उनमें क्लोज होता है, इसका मतलब जो है कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही बहता है और किसी भी ऑर्गन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आता, ना तो किसी ऑर्गन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है ना ही किसी के सेल के कॉन्टेक्ट में। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, सेल्स होती हैं, उनके बीच में क्या होता है, ऊतक द्रव्य होता है यानी टिश्यू फ्लूड होता है। तो ब्लड जो भी अपना कंटेंट रहता है वो किसमें बाहर, किसमें डिस्चार्ज कर देता है, टिश्यू फ्लूड में। इसी तरीके से सेल भी टिश्यू फ्लूड से आवश्यक सब्सटेंस ले लेती है और अनावश्यक सब्सटेंस को कहाँ डाल देती है, टिश्यू फ्लूड में डाल देती है। और इस तरीके से हम देख रहे हैं ब्लड क्या होता है, डायरेक्ट किसी भी ऑर्गन के या किसी भी कोशिका के कॉन्टेक्ट में नहीं होता। ब्लड किस में बहता है, एक ब्लड वेसल्स में बहता है, यानी ब्लड हमेशा क्लोज रहता है, तो इसी को कहा जाता है क्लोज वेस्कुलर सिस्टम। ओपन में क्या होता है, ओपन में आप देखेंगे इसी तरीके के क्या बने होते हैं, हीमोसील बने होते हैं, यानी छोटे छोटे गड्ढे या पैचेस हम कह सकते होते हैं, जिनमें क्या होता है ब्लड फिल रहता है। और इसी ब्लड में क्या होते हैं, ऑर्गन डूबे रहते हैं, कोई भी ऑर्गन हो इसी ब्लड में क्या होगा, डूबा रहेगा, यानी ऑर्गन सीधे किसके कॉन्टेक्ट में है, ब्लड के। और क्लोज में क्या होता है कि ऑर्गन सीधे ब्लड के कॉन्टेक्ट में नहीं होते। तो ये अंतर होता है क्लोज वेस्कुलर सिस्टम में और ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। तो यहाँ पर सिलोम क्या होता है, कम होता है, सिलोम की जगह कौन कौन लेता है, यानी एक तरह से हम देखें कि सिलोम ही क्या हो जाता है, ब्लड से या फिल हो जाता है, और फिर उस खाली जगह जो ब्लड से भर गया उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, हीमोसील। यानी जगह जगह पर ऐसे छोटे छोटे कोष्ठक बन जाएंगे और इन्हीं कोष्ठक में क्या होगा, ब्लड भरा होगा और ब्लड के कांटेक्ट में कौन होगा, डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे। माउथ पार्ट जो होता है एडाप्टेड होते हैं फॉर वेरियस मोड ऑफ फीडिंग। तो देखिए आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा संघ है, यानी सबसे ज्यादा जो वैरायटी पाई जाती है इसी में पाई जाती है, सबसे ज्यादा स्पीसीज की संख्या जो है इसी में पाई जाती है। तो एक तो स्पीसीज सबसे ज्यादा इसी में है और दूसरी चीजें हम देखेंगे सबसे ज्यादा वैरायटी भी इसी में है, यानी इसमें ऐसे जीव है जो जल पे भी रहते हैं, जो थल में भी रहते हैं, जो हवा में भी रहते हैं, जो आकाश में भी उड़ते हैं, जो जमीन के अंदर रहते हैं, यानी आर्थ्रोपोडा जो है हर जगह पाए जा रहे हैं, जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, पानी के अंदर, हवा में, उड़ने वाले, तैरने वाले, रेंगने वाले, हर तरीके के जीव आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन होता है, माउथ पार्ट इनका अडेप्टेड होता है फॉर, तो इनके अलग अलग, जब इनके अलग अलग एनिमल है तो अलग अलग तरीके से रह रहे हैं तो अलग अलग भोजन की जरूरत पड़ती है, अलग अलग भोजन के लिए अलग अलग प्रकार के इनमें माउथ पार्ट पाए जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि स्नैक में, अरे सॉरी स्नैक में कह रहे हैं, मॉस्किटो में देखेंगे तो उसमें होता है बाइटिंग एंड सकिंग टाइप, सॉरी पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। वो क्या करता है, वो अपने अपेंडेजेस को चुभाता है, यानी पियर्सिंग माने छेद करना और फिर ब्लड को सक करना, उसी तरह बाइटिंग और सकिंग टाइप का पाया जाता है। इसके अलावा मक्खी में देखिए, हाउस फ्लाई में स्पॉन्जिंग टाइप का पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आया था कि हाउस फ्लाई में माउथ पार्ट कैसा होता है, स्पॉन्जिंग टाइप का होता है, यानी वो चीजों को क्या करती हैं, बस सोखती हैं जो मक्खियां होती हैं। और मच्छर क्या करते हैं, मच्छर को पहले तो अपने जो उनके अपेंडेजेस और प्रोबोसिस होता है उसको गड़ाते हैं स्किन में और फिर दूसरे माउथ पार्ट से ब्लड को सक करते हैं। एक होता है बाइटिंग एंड चीविंग टाइप दांत, सॉरी माउथ पार्ट।
तो इस तरीके से अलग अलग माउथ पार्ट इसमें पाए जाते हैं। इसक्रीशन देखिए, इसक्रीशन के लिए क्या होते हैं, ग्रीन ग्लैंड होता है और क्या होता है, मालपिगियन ग्लैंड होता है। ये दो होते हैं, दोनों अलग अलग क्लास में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, इनका कुछ जनरल करेक्टर होता है, इसके आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आइए हम देखते हैं आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन। तो अगर आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो काफी क्लासों में, फिर क्लास को ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। यहाँ पर हम एक फेमस क्लास देखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं क्रस्टेशिया। क्रस्टेशियन में कौन आते हैं, जितने भी प्राण वगैरह हैं सब किसमें आते हैं, क्रस्टेशियन में। तो इसको कहा जाता है क्रस्टेशिया। एक क्या है, क्लास है किसका, आर्थ्रोपोडा का, सबसे बड़ा क्लास है क्रस्टेशिया। इसकी क्वालिटी क्या होती है, ये हमने बताया था, इनका बॉडी तीन भागों में बटा होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हेड और थोरैक्स फ्यूज होकर के क्या बना लेते हैं, सीफेलो थोरैक्स, सीफेलो थोरैक्स। तो ये सबसे मेन फीचर है किसका, क्रस्टेशिया का, कि यहाँ पर हेड यानी कि सीफेलिस शब्द क्या किसके लिए प्रयोग होता है, हेड के लिए। तो हेड और थोरैक्स मिलकर के क्या बना लेते हैं, सीफेलो थोरैक्स बना लेते हैं। तो इसमें डेफनिया आता है, साइक्लोप्स आते हैं और प्राण आता है। डेफनिया, साइक्लोप्स और प्राण, ये पहली मोड जिसे कहते हैं, ये किसमें आते हैं, क्रस्टेशिया। इसके बाद क्या होता है, कुछ ऑर्डर्स आते हैं, वो ऑर्डर आप याद रख लीजिए कौन कौन से ऑर्डर हैं। इंसेक्ट एक बात करें हम, सॉरी, पहले क्रस्टेशिया क्लास हो गया, दूसरा इसका मेजर क्लास है इंसेक्टा, यानी जितने भी इंसेक्ट हैं सभी किसमें आते हैं, आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। तो इंसेक्टा का क्या जनरल करेक्टर होता है कि इनमें जो होता है वो हेड जो होता है वो 6 सेगमेंट का बना होता है, जबकि इनमें हेड 5 सेगमेंट का बना होता है। हेड 6 सेगमेंट का बना होता है, थोरैक्स इनका 8 सेगमेंट का बना होता है और एब्डोमेन इनका 11 सेगमेंट का बना होता है। और इनका दूसरा करेक्टर ये होता है कि हर इंसेक्ट में क्या होगा, 3 पेयर लेग्स पाए जाएंगे और 2 पेयर विंग्स पाए जाएंगे। ये इंसेक्ट का जनरल करेक्टर होता है। अब इस वर्ग को उपवर्ग में बांटा गया है, तो उपवर्ग का हम नाम लिख रहे हैं, उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं आप याद कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। जैसे आइसोप्टेरा, आइसोप्टेरा में आता है टर्माइट यानी कि दीमक, कौन आते हैं, टर्माइट। दूसरा है हिम्नोप्टेरा, हिम्नोप्टेरा में आता है हनी बी और वैक्स आते हैं। हनी बी और वैक्स आते हैं। तीसरा है लेपिडोप्टेरा, इसमें बटरफ्लाई और मॉथ्स आते हैं। लेपिडोप्टेरा, इसमें बटरफ्लाई और मॉथ आते हैं। डाइप्टेरा, ये देखिए मिलान के लिए दे दिया जा सकता है कि ये उपवर्ग के नाम है, इनके एग्जांपल बताइए। इसमें मक्खी आती है जिसको हम क्या कहते हैं, मस्ता कहते हैं। इसमें आपके मच्छर आते हैं, क्यूलेक्स। इसके अलावा ड्रोसोफिला भी इसी में आती है, ड्रोसोफिला जो भी एक मक्खी ही है। एक है आपका आर्थ्रोप्टेरा जिसमें ग्रास हॉपर आता है। पांचवा बात करें आर्थ्रोप्टेरा जिसमें आपके ग्रास हॉपर और कॉकरोच आते हैं।
पर इसी में ही आपका लक का इंसेक्ट भी आता है, यानी लेसिफर लक्का। तो ये जो है किसके सभी मेंबर्स हो गए, आर्थ्रोपोडा के। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी कौन होता है, एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कौन सी होती है। तो जो पेरिपेटस है वो है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी, पेरी पैटस। ये किसके बीच की कड़ी है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा प्लस आर्थ्रोपोडा। अब दूसरा बात करें नियोफिलाइना की, तो नियोफिलाइना है ये एनेलिडा और मोलस्का के बीच, एनेलिडा प्लस मोलस्का, प्लस नहीं कहेंगे, एनेलिडा एंड मोलस्का। पेरिपेटस जो है वो ये शो करता है कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो एनिलीड से डेवलप हुए हैं, लेकिन नियोफिलाइना ये शो करता है कि जो सॉरी मतलब पेरिपेटस ये शो करता है कि एनिलीडा से आर्थ्रोपोडा का विकास हुआ है, और नियोफिलाइना ये शो करता है कि एनिलीडा से जो है वो मोलस्का का विकास हुआ है। लेकिन अब जनरल यही समझा जाता है कि एनिलीडा से आर्थ्रोपोडा बने हैं, फिर आर्थ्रोपोडा से मोलस्का बने हैं। यानी अगर इनकी विकास देखा जाए तो सबसे पहले एनिलिडा बना, फिर आर्थ्रोपोडा और फिर मोलस्का। यानी इन तीनों में सबसे विकसित कौन है, मोलस्का। इसीलिए हम पहले एनिलिडा पढ़ रहे हैं, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकानोडर्मेटा और कॉर्डेटा आएंगे। तो इसके बाद आपको दो स्पीसीज में पढ़नी है, टीजीटी पीजीटी में मिला करके, एक कॉकरोच के बारे में पढ़ना और एक प्रॉन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा मक्खी मच्छर ये भी शायद टीजीटी के सिलेबस में दिए गए हैं, तो आप इसके सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपको बस दो ही के बारे में बताया जाएगा, एक कॉकरोच के बारे में और एक प्राण के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल रहा हो, तो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।